मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं किस प्रकार से, और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है, आज भी वो लोग लगातार इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी हर्ड ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो, यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए, आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। दिल्ली जाने में आपत्ति नहीं है, आखिर ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन हैं या बसेज हैं या अपने वाहन है लोगों के, उसमें जाए, लेकिन ट्रैक्टर जो है इट इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये ट्रैक्टर जो होता है और जो इस प्रकार से उसकी तैयारी करके जाना, ये एक हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, तो किसानी के लिए है, तो किसानी के लिए वो जाते हैं तो किसानी का काम करें, ऐसा चैलेंज होता है। ये एक प्रकार का एक अब इसको शब्द देना ठीक मैं नहीं समझता, क्योंकि उनके मानस में ये बात आई है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से बातें होती हैं, सारी बैठ के बातचीत करनी चाहिए, बातचीत में बहुत विषय सुलझ जाते हैं, और ये भी है कि कभी कभी बातें सुलझती भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्टैंड अलग अलग है, और उस अलग अलग स्टैंड में अल्टीमेटली ऐसे लोकतंत्र में इस प्रकार के विषयों को रखने के प्लेटफॉर्म होते हैं। आपसी बातचीत एक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो ये विषय पार्लियामेंट में, ये विषय विधानसभा में, उसमें उठने चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, जनप्रतिनिधित्व तो आखिर सबके बीच में से जाते हैं, और मैं तो इस बात के लिए हमारे काम की कार्यपत्ति कैसे ही हो, लेकिन सोच के नाते गुरनाम सिंह चलूड़ी की प्रशंसा करता हूँ। गुरनाम सिंह चलूड़ी ने यह कहा कि हाँ, हम चुनाव लड़के जाएंगे और किसान की बात लोकसभा में रखेंगे, विधानसभा में रखेंगे, आह्वान है हमारा लोकतंत्र तरीके से, कोई जाए कोई बात रखे, कहीं आपत्ति नहीं है, बात चले बहस चले, लेकिन जैसे हरियाणवी में कहा होता ना, मैं तो ना मानूं। अब ये उचित नहीं, जिस तरह से तनाव हो रहा है बॉर्डर पे, दोनों स्टेट के रिलेशंस में भी फर्क आ रहा है, पंजाब ने आपत्ति भी की है, जो पीएमएस के सेल उनके पंजाब में गए हैं। अच्छा है, ऐसा है, पंजाब का अनुभव नया नया है, हमारा अनुभव बहुत पुराना है। अगर ये पंजाब में एक साल भर ऐसे चलता रहा जैसे हरियाणा ने झेला है, तो पंजाब हमको बताएगा कि उनका अनुभव क्या रहा है। हमारा विषय है कि हम लाइन रोड की स्थिति, क्योंकि स्टेट की जिम्मे होती है, हम अपने हरियाणा में लाइन रोड की स्थिति की चिंता करेंगे, और उसके लिए तय किया है कि जब तक आप सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, या जब तक वहां दिल्ली में जाने के लिए आपको कोई और कोई तरीका बात करनी, तो दिल्ली के लोगों से बात कर ही रहे हैं, कोई डेपुटेशन इस नाते से 20-30-50 लोगों का जा सकता है, हम हजारों लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे, और दृश्य क्या बनेगा, दृश्य क्या बनेगा, लाल किला पर क्या दृश्य बना पिछली बार, यार यही देश चाहता है क्या? व्यवहार से पता लगता है कि कोई ना कोई सपोर्ट उनको है ही, आखिर रोकने में तो पंजाब सरकार भी उनको अपनी जगह पर रोक ही सकती है, नहीं रोकी है तो कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड तो रही होगी। और दिल्ली वाले तो ये कहते हैं कि हाँ, हम तो किसान के मूवमेंट के साथ हैं, किसान की मांगों के साथ होना एक बात है, लेकिन किसान की मूवमेंट जिस प्रकार की चला रहे हैं उसमें साथ होना, ये कई प्रकार के गलत संदेश देता है।